आज का हमारा टॉपिक, अगर हम पेट्रोल और केरोसिन को यूज़ करें कार में तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है, जो पेट्रोल में होता है ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है, जो कि इससे डिसाइड करते हैं हम कि हमारा जो फ्यूल है वो किस तरह का, इसको क्वालिटी कैसी है। मान लीजिए हमारा जो रेगुलर फ्यूल होता है उसका ऑक्टेन नंबर होता है 87, उसके बाद आता है हमारा रेसिंग के लिए उसका होता है 94, उसके बाद आता है अल्ट्रा सुप्रीम उसका होता है हमारा 96, उसके बाद आता है एक्स्ट्रा सुप्रीम उसका होता है 98, उसके बाद आता है सुप्रीम टॉर्को। ये सबसे हाई लेवल का हमारा फ्यूल होता है, जो कि इसे हम प्रीमियम फ्यूल भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया 100, इसका ऑक्टेन रेटिंग कितना 100 होता है बेसिकली। इस अब ये हमारा जो ऑक्टेन रेटिंग होता है ये किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं, इसमें बेसिकली हमारा होता है 2-2-4 ट्राई ट्राई मिथाइल पेंटेन, और दूसरा हमारा मिक्स होता है इसके साथ में एन हेप्टेन। ट्राई मिथाइल हमारा कितना ऑक्टेन रेटिंग कितना होता है 100 होता है, और इसका होता है 0। तो मान लीजिए अगर हमारा जो 118 ऑक्टेन है वो हमारा ये होता है सुप्रीम टॉर्क्यो फ्यूल जो होता है, लेकिन हम जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं वो हम प्रीमियम फ्यूल तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसके लिए हम इसने इसमें क्या होता है एन हेप्टेन मिलाया जाता है। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए इसका इस ये हम हमने लिया 87% और ये लिया हमने 0%, इसे मतलब मिक्स करते हैं, लेकिन इसका ऑक्टेन जो होता है हमारा वो 87 होता है। तो इससे क्या होगा, इस मिक्स करने पे जो हमारा ऑक्टेन रेटिंग बनता है वो 87 बनता है। तो इसके बेस पे हमारा डिसाइड होता है कि हमारा फ्यूल कौन सा रेटिंग का है। अब हम केरोसिन के बारे में जान लेते हैं। केरोसिन का जो ऑक्टेन रेटिंग होता है वो 20 से 50 के आसपास होता है, और ये हमारा वही केरोसिन है जिसके लिए हम यूज़ करते थे कुकिंग के लिए, लालटेन में डालने के लिए, दिया जलाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ करते थे। और ये जो केरोसिन होता है वो पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा भारी होता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा पेट्रोल और केरोसिन है, ये पेट्रोल है, इसका पेट्रोल और केरोसिन का ऑक्टेन, इसका ऑक्टेन नंबर होता है मान लीजिए 90 और इसका होता है 20। जब हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद इसका हम मीन निकाले तो ये हो गया 110, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका हो गया 55 आ गया। तो इसका ऑक्टेन रेटिंग बहुत कम आया। तो इससे क्या होता है, जब भी हम अगर हम व्हीकल में अगर हम कम ऑक्टेन रेटिंग का अगर हम फ्यूल यूज़ करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारी जो गाड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करने लग जाती है। उसका जो फ्यूल होता है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो अच्छे से बर्न नहीं होता, क्योंकि फ्यूल जो होता है हमारा थिक हो जाता है। बात कर लेते हैं हम इसके फ्लैश पॉइंट की, इन दोनों की, पेट्रोल और कैरोसिन के फ्लैश पॉइंट की। फ्लैश पॉइंट हमारा क्या होता है कि जो जो हमारा फ्यूल होता है वो एक टेम्परेचर आता है उस पर क्या होता है इवेपोरेट होके एयर के साथ मिक्स होके ईजिली इग्नाइट हो जाता है। तो इसका फ्लैश पॉइंट जो होता है पेट्रोल का वो -36 फ़ारेनहाइट से लेके -45 फ़ारेनहाइट तक होता है, और कैरोसिन का हमारा फ्लैश पॉइंट होता है 100। और इन दोनों के मिक्सचर से क्या होता है, जो हमारा फ्यूल का जो फ्लैश पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो हमारा स्पार्क प्लग होता है वो क्या होता है, स्पार्क प्लग जो होता है वो फ्यूल को अच्छे से बर्न ही नहीं कर पाता। उसके जो जो उसके अंदर चिंगारी सी निकलती है वो क्या होता है, फ्यूल को बर्न ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इससे हमारी क्या प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग लेट हो जाती है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेट हो जाती है, और नॉइज़ ज़्यादा करता है जिसकी वजह से इंजन का हीटअप ज़्यादा होने लग जाता है। उसके बाद ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम आने लग जाती है, और जो पिस्टन होता है वो डैमेज होने लग जाता है, और रिंग जो हमारी पिस्टन रिंग जो होती है वो भी डैमेज हो जाती है। अब हम जानते हैं कि डीजल और पेट्रोल को अगर मिक्स कर दे तो हमारा क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डीजल का फ्लैश पॉइंट क्या होता है हमारा, इसका होता है 52 से लेके 96 होता है। जब भी हम पेट्रोल को अगर इसके अंदर क्या करते हैं मिक्स करेंगे इसके साथ, तो मान लीजिए 50% हमने डीजल मिक्स करा और 50% हमारा पेट्रोल मिक्स करा, तो इससे क्या होता है, जो हमारा सेम वही डीजल क्या होता है वो जल्दी से क्या होता है, वेपराइज नहीं होता। वेपराइज नहीं होने के कारण क्या होता है, जो हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता कम्प्लीट। इसमें क्या होता है कि इसका, क्योंकि इसका फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होने के कारण ये इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, तो मिक्सचर जो हमारा अच्छा नहीं बनता। तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी एयर फ्यूल का मिक्सचर हमारा इनटेक मैनिफोल्ड में जाता है तो उससे क्या होता है कि ये अच्छे से बर्न नहीं हो पाता। हमारा जो स्पार्क प्लग होता है
वो अच्छे से उसको बर्न नहीं कर पाता फ्यूल को, जिससे क्या होता है हमारी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, वो स्टार्ट नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम 50% ऑफ पेट्रोल और 50% ऑफ डीजल मिलाएंगे तो उससे हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कभी स्टार्ट होगा कभी नहीं स्टार्ट होगा, और गाड़ी हमारी क्या होगी, कभी चलेगी फिर रुकेगी, चलेगी फिर रुकेगी, ये हमारी प्रॉब्लम आने लग जाएगी।